हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अज़र खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्सटर। दिस इज लेक्चर नंबर 10, डाइव्स ऑफ रीजनिंग पार्ट 2। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लोज डाइव्स के वो सभी टाइप्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं या पॉसिबिलिटी है आने की, और नेक्स्ट लेक्चर होगा ओपन डाइव से रिलेटेड क्वेश्चन का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इसलिए इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। क्लोज डाइस के क्वेश्चन करने के लिए हमेशा आपको तीन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कौन से? फर्स्ट, सर्च फॉर कॉमन नंबर। जो क्वेश्चंस में दो डाइस या तीन डाइस गिवन होंगे उसमें कॉमन नंबर कौन सा है पहले वो सर्च करना है। जैसे यहां पर एग्जांपल मैंने ले लिया, यहां पर कॉमन कौन सा नंबर है? 1। सेकेंड, रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कॉमन नंबर ढूंढने के बाद आपको उस नंबर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट करना है। जैसे अगर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, राइट, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो दोनों डाइस को, तीनों डाइस को हम उसी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। देन थर्ड पॉइंट इज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, नंबर्स विच आर विजिबल आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। जो आपको यहां पर नंबर नजर आ रहे हैं डाइस का, जो हम अगर ये वाली इमेज बनाते हैं तो पीछे के नंबर हमें नजर नहीं आते, जो फ्रंट पे हैं वही नजर आते हैं। ठीक है, एक बारी में टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 to 6, है ना। डाइस आपने लूडो खेला होगा उसमें देखा होगा, तो 6 नंबर्स होते हैं, हमेशा आपको कौन से फेस नजर आते हैं? 3 फेस नजर आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि 1 के अपोजिट कभी भी 5 नहीं होगा, 5 के अपोजिट कभी भी 2 नहीं होगा, एंड 1 के अपोजिट कभी भी 2 नहीं होगा, इस तरीके से, राइट। ऐसे यहां पर 1 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता, राइट। तो जो आपको विजिबल है फेस, जो विजिबल है वो नंबर एक दूसरे से अपोजिट कभी नहीं होंगे। तो ये तीन चीजें आपने माइंड में रख ली, इसका मतलब आपको 80% लेक्चर आज का क्लियर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो टाइप नंबर 1 इज When only one face is common, जब डाइस का एक फेस कॉमन आ जाए। देखिए डाइस एक ही होता है, रोल दो बार किया हुआ है इसने, यहां पर दो डाइस दिए हुए हैं आपको, दो नजर आ रहे हैं, लेकिन डाइस एक ही होता है, रोल दो बार किया गया। जब पहली बार रोल किया गया तो 4, 5, 3 नंबर आया, जब दूसरी बार रोल किया गया तो 2, 6, 3 नंबर आया। तो यहां पर देखिए कॉमन जो है यहां पर हमें 3 दिया हुआ है, तो वही 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले कॉमन सर्च किया हमने 3, और कोई कॉमन नहीं है। अब दूसरा स्टेप क्या था? रोटेट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर मैं 3, 3 लिख लेता हूं, ठीक है। ये डाइस 1 का, फेस 1 का, और डाइस 2 का, ये इस तरीके से मैं लिख लेता हूं, ठीक है। यहां 3, 3 कॉमन हमने लिख लिया। अब या तो मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं या फिर क्लॉकवाइज, तो एक काम करते हैं क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 4 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 4 आ गया, राइट। और अब यहां पर देखें दूसरे डाइस में 3 के बाद 6 आ गया और 6 के बाद 2 आ गया, 3 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 2 आ गया। तो ये जो नंबर्स आए हमारे, ये कौन से होंगे? ये होंगे एक दूसरे के अपोजिट। तो 5 के अपोजिट हमने फाइंड कर लिया 6 है, और 4 के अपोजिट हमने फाइंड कर लिया 2 है। लेकिन टास्क क्या है हमारा? 3 के अपोजिट क्या होगा? आखिर हमें इसको देखकर ये बताना है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। देखिए 5 और 6 नहीं हो सकते, 4 और 2 भी नहीं हो सकते, तो एक नंबर बचा 1 to 6 में, कौन सा? 1। तो जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा यहां पर, तो वो किसके अपोजिट होगा? 3 के। तो आंसर होगा 1। तो चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। सो टाइप नंबर 2 इज व्हेन 2 फेसेस आर कॉमन। इस बार आपको जो डाइस दिए हुए हैं इसमें 2 फेसेस कॉमन है, 1, 3 एंड यहां पर भी 1, 3, ठीक है। तो अब देखिए जो कॉमन है उनको छोड़कर जो बचे हुए नंबर है 5 और 4, ये दोनों। सो टाइप नंबर 2 इज व्हेन 2 फेसेस आर कॉमन। इस बार 2 फेसेस कॉमन है, कौन कौन से? 1, 3 और यहां पर भी देखिए 1, 3। तो जो बचे हुए नंबर है, रिमेनिंग नंबर होंगे, वो क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट। तो 5 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। बट अब यहां पर देखिए अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? तो मैंने क्या बोला था, जो सामने नजर आ रहे हैं वो नंबर तो नहीं हो सकते कभी भी। तो यहां पर 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, तो कौन कौन से नंबर बचे? 2 और 6। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि वो अपोजिट हो 3 के। दोनों टाइप के हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये रूल्स अप्लाई हो रहे हो। सो देखिए क्वेश्चन कैसा बनता है। फाइंड द फेस अपोजिट टू 4, और आपको 4 फिगर दे दी इसको फाइंड करने के लिए। तो देखिए आपको हमेशा क्या करना है, टाइप नंबर 1 हमने किया जिसमें एक फेस कॉमन है, टाइप नंबर 2 हमने किया जिसमें 2 फेस कॉमन है, ठीक है। तो यहां पर 4 फिगर हमें दिए हुए हैं, किसी 2 या 3 फिगर्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका फेस निकालेंगे। तो देखिए
यहाँ पर मैं फर्स्ट और सेकंड अगर इमेज देखूं तो कॉमन आपको हमेशा सर्च करना है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। तो देखिए थ्री और फोर कॉमन है, यहाँ पर भी थ्री और फोर। तो फाइव के कॉमन नंबर क्या आ गया, फाइव के अपोजिट टू। फर्स्ट और सेकंड इमेज से मुझे ये मिल रहा है। अब सेकंड और थर्ड पे जाऊं अगर मैं, तो यहां पर कॉमन कौन सा है, फाइव कॉमन है और थ्री कॉमन है। तो फोर के अपोजिट यहां पर क्या आ गया, वन आ गया, है ना। तो यही तो हमें फाइंड करना था, फोर के अपोजिट क्या मिल गया हमें, वन आंसर। ठीक है, अगर थर्ड और फोर्थ में अगर मैं बात करता हूं, देखिए वन और थ्री कॉमन है, वन और थ्री कॉमन है, तो फाइव के अपोजिट भी अगर हम निकालेंगे, यहां से भी हमें टू मिल रहा था, यहां से भी टू मिल रहा है ना, क्योंकि डाइस सेम है, रोल चार बार किया गया है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, सेम वही रूल अप्लाई करने हैं जो हमने प्रीवियस टाइप्स में आपको बताए हैं। सो देखिए लास्ट पार्ट है अपना कलर डाइस, क्लोज डाइस में ही हम इसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें डिफरेंस कितना है, आपको नंबर्स की जगह यहाँ पर कलर नेम्स दिए जाते हैं। सेम वही सर्च करना है, कॉमन ढूंढकर आपको रोटेट करना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए अपोजिट टू ब्लैक, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको कलर फाइंड करना है जो कि अपोजिट है ब्लैक के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ब्लैक यहाँ पर है और ब्लैक ही यहां पर है, एक नंबर कॉमन है, वही रोटेट कर दो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसको आप डायरेक्ट कर लो यहां, क्योंकि ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं। देखिए जब ब्लैक यहां पर गिवन है तो इसके अपोजिट पर्पल और ब्लू नहीं हो सकते, सो पर्पल और ब्लू कैंसिल हो गए। अब यहां पर भी ब्लैक है तो ग्रे और येल्लो नहीं हो सकते इसके अपोजिट, तो येल्लो भी हमारे पास से ऑप्शन कट, तो एक ऑप्शन बचा सिर्फ कौन सा, रेड। तो क्या होगा, ब्लैक के अपोजिट रेड होगा। So, जितने भी क्वेश्चन क्लोज डाइस से हमारे बन सकते थे ऑलमोस्ट हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।